आपने तो असम चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करी थी, कहां है वो? कहां है वो धरातल पे? आपने तो कई वादे किए थे, ऐसे वादे किए थे जो आपको अभी याद भी नहीं होंगे, पर मुझे एक एक वादा याद है, एक एक आपका शब्द याद है। क्या कर रहे हो आप हमेशा 70 साल 70 साल 70 साल। मैंने 70 साल में, मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में 70 साल में ऐसा कोई दिन नहीं आया जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पे फायरिंग कर रही है और देश के गृह मंत्री जी चुप है। देश के गृह मंत्री जी को समय नहीं है कि वो आसाम जाके बात करें, उनके पास समय नहीं है कि इस मैटर को कैसे रिजोल्व कराएं। वो कहां है देश के गृह मंत्री जी? वो भी अमेरिका गए हैं क्या? मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरे को जो मीडिया से जो जानकारी है उसके अनुसार, वो तो आज कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोऑपरेटिव के अंदर। देश में लॉ एंड ऑर्डर की भयानक स्थिति आ गई, गृह मंत्री जी कोऑपरेटिव खेल रहे हैं। कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चलती है, लोग कोर्ट रूम के अंदर 10-10, 20-20 राउंड फायरिंग हो रही है, गृह मंत्री जी कहां है? क्या है उनका स्टेटमेंट? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? और वो कोर्ट रूम कोई सुदूर इलाके का नहीं है, देश की राजधानी का कोर्ट रूम है। क्या गृह मंत्री का काम सिर्फ भाषण देना ही है? क्या गृह मंत्री का काम सिर्फ उत्तर प्रदेश के दौरे करना ही है चुनाव के पहले? क्या गृह मंत्री का काम अहमदाबाद में दौरे करना ही है? क्या गृह मंत्री का काम अपने पुत्र को क्रिकेट में आगे बढ़ाना ही है कि कोई और भी कोई कार्य हिंदुस्तान के गृह मंत्री के पास है? अगर इस नाजुक अवस्था में भी अगर गृह मंत्री जी अगर खामोश है, अगर कोई एक्शन नहीं लेते, तो ये मजबूत सरकार नहीं, ये मजबूर सरकार के इंडिकेशंस है। और हिंदुस्तान के लोगों ने कभी भी मजबूर लोगों को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया।